हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 2 का चैप्टर 9 अहम अपि विद्यालयम् गमिष्यामि। अहम अपि अर्थात मैं भी विद्यालयम् विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगी। तो इस प्रकार से जो हमारा शीर्षक है अहम अपि विद्यालयम् गमिष्यामि, उसका अर्थ होगा मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो देखिए पाठ का हिंदी अनुवाद। मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, प्रतिवेशिनीम पड़ोसन, प्रति से पड़ोसन से। गिरिजे मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासी तरही प्रेषये। गिरिजे हे गिरिजा मम मेरा पुत्र है पुत्र मातुल गृहम मामा के घर प्रस्थित है गया है काचित किसी अन्याम अन्य कामपि किसी भी महिला महिला को कार्यार्थम घर के कार्य के लिए जाना सी जानती हो तरही तो प्रेषय भेजो। हे गिरिजा मेरा पुत्र मामा के घर गया है घर के कार्य के लिए यदि तुम किसी महिला को जानती हो तो भेजो। गिरिजा आम सखी आम हाँ सखी हे सखी हाँ हे सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थम पृच्छति सम। अद्य आज प्रातः सुबह एव ही मम मेरी सहायिका स्वसुताया अपनी बेटी के कृते लिए कर्मार्थम काम के लिए पृच्छति पूछ रही सम थी। आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। स्व कल, कौन सा कल बेटा? आने वाला कल। और यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल। प्रातः प्रातः काल एव ही तया उसके सह साथ वार्ताम बात करिष्यामि करूंगी। कल प्रातः काल ही उसके साथ बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्या गृह घंटी का आगंतार कमपि सूचयति मालिनी द्वारम उद्घायति पश्यति यत गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका अष्ट वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिने अगले दिन प्रातः काल षट्वादने 6 बजे एव ही मालिन्या मालिनी के गृह घंटी का घर की घंटी आगंतार आने वाले को कमपि किसी सूचयति सूचित करती है मालिनी द्वारम दरवाजा उद्घायति खोलती है पश्यति देखती है चे यत की गिरिजायाः गिरिजा की सेविकायाः सेविका दर्शनया दर्शना के सह साथ एका एक अष्ट वर्ष देशीय लगभग 8 साल की बालिका लड़की तिष्ठति खड़ी है। अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले को सूचित करती है। मालिनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ लगभग 8 साल की एक लड़की खड़ी है। दर्शना महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति सम कृपया मम सुताई अवसरम प्रदाय अनुगृहणातु भवती। महोदये हे महोदया भवती आप कार्यार्थम कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पृच्छति पूछ रही सम थी कृपया मम मेरी सुताई बेटी के लिए अवसर प्रदाय प्रदान करके अनुगृहणातु कृपया करें भवती आप। हे महोदया आप कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी कृपया मेरी बेटी के लिए अवसर प्रदान करके मुझ पर कृपा करें। मालिनी परम एसाम तु अल्प वयस्का प्रतीयते। परम परंतु ऐसा यह तू तो अल्प वयस्का कम उम्र वाली प्रतीयते प्रतीत हो रही है। परंतु यह तो कम उम्र वाली प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा किम क्या कार्यम कार्य करिष्यति करेगी ऐसा यह क्या यह कार्य करेगी। अयम तु अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल है।
आयम यह, तु तो, अश्यः इसके, अध्ययनस्य पढ़ने का, क्रीडनस्य खेलने का, च और कालः समय है। यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। आगे देखिए दर्शना क्या कहती है। एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति सम। एषा यह एकस्य एक गृहस्य घर का संपूर्णम सारा कार्यम कार्य करोति करती सम थी। यह एक घर का संपूर्ण अर्थात सारा कार्य करती थी। सह परिवारे अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है। सह वह परिवार है परिवार अधुना इस समय विदेशम विदेश प्रस्थित गया है। वह परिवार इस समय विदेश गया है। कार्य अभावे अहम एतस्य कार्यम एवं अन्वेष्यामि सम। ये भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित अस्मद सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। कार्य अभावे कार्य के अभाव में अहम तस्य मैं इसके लिए कार्यम कार्य एव ही अन्वेष्यामि ढूंढ रही थी। ये जिससे भवत सदृशानाम आप जैसों का कार्यम कार्य प्रचलित चल जाए। अस्मद सदृशानाम हम जैसों के गृह संचालनाय घर चलाने के लिए च और धनस्य धन की व्यवस्था भवेत हो जाए। कि कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही थी जिससे आप जैसों का कार्य चल जाए और हम जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। अब मालिनी कहती है परम एतत तु सर्वथा अनुचितम। परम परंतु एतत यह तू तो सर्वथा बिल्कुल अनुचितम गलत है। परंतु यह तो बिल्कुल गलत है। किमने जाना से यत शिक्षा तो सर्वेशाम बालका नाम सर्वासाम बालिका नाम चे मौली के अधिकार है। किम क्या नहीं जाना से जानती हो यत की शिक्षा तू तो सर्वेशाम सभी बालका नाम बालकों का सर्वासाम सभी बालिका नाम बालिकाओं का च और मौलिक है मौलिक अधिकार है अधिकार है। कि तुम क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदये अस्मद सदृशानाम तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्व उदर पूर्ति एव अस्ति। महोदये हे महोदय अस्मद हम सदृशानाम जैसों का तु तो मौलिकः मौलिक अधिकारः अधिकार केवलं केवल स्व अपने उदर पूर्ति पेट भरना एव ही अस्ति है। हे महोदया हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषड् गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य इसी की व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए किसकी व्यवस्था के लिए पेट भरने की व्यवस्था के लिए एव ही अहम मैं सर्वस्मिन् सभी दिने दिन पांच साढ़ छह गृहणाम घरों का कार्यम कार्य करोमि करती हूँ। इसी व्यवस्था के लिए ही मैं सभी दिन पांच से छह घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णे है पति तु किंचित अपि कार्यम न करोति। मम मेरा रुग्णे है बीमार पति ही पति तू तो किंचित अपि कुछ भी कार्यम कार्य नहीं करोति करता है। मेरा बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः। अतः इसलिए अहम मैं मम मेरी पुत्री च और मिलित्वा मिलकर परिवारस्य परिवार का भरण पोषणम पालन पोषण कुर्वः करती हैं। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण अर्थात पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घात काले
मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्त न भवति तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तक अन्य आदिनी क्रेतुम धनम आनेष्यामि। अस्मिन् इस महार्घता काले महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम मूलभूत आवश्यकताओं के कृते लिए एव ही धनम धन पर्याप्तम पर्याप्त नहीं भवती होता है तरही तो कथम कैसे विद्यालय शुल्कम विद्यालय की फीस गणवेशम पोशाक पुस्तका पुस्तके अन्य आदिनी आदि क्रेतुम खरीदने के लिए धनम धन आनेष्यामि लाऊंगी। कि इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत आवश्यकता क्या क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, कि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है तो विद्यालय की फीस पोशाक पुस्तके आदि खरीदने के लिए धन कहां से लाऊंगी या धन कैसे लाऊंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मालिनी अहो अज्ञानम भवत्या, अहो हे अज्ञानम अज्ञान है भवत्या तुम्हारा, अरे तुम्हारा अज्ञान है। किमने जाना से यत नवोत्तर द्विसहस्त्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। किम क्या नहीं जाना सी जानती हो यत की नवोत्तर नौ अधिक द्वि दो सहस्त्रम हजार अर्थात 2009 तमे वर्षे ईस्वी में सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां सभी बालकानाम बालकों के लिए सर्वासाम सभी बालानाम बालिकाओं के कृते लिए शिक्षायाः शिक्षा के मौलिक अधिकारस्य मौलिक अधिकार की घोषणा कृता की गई है। कि तुम क्या नहीं जानती हो कि 2009 ईस्वी में सरकार के द्वारा सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं की शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यद अनुसारम षड वर्षेभ्य आरभ्य चतुर्दश वर्ष पर्यंतम सर्वे बाला समीपस्थम सर्व कार्यम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षाम एव प्राप्स्यन्ति। यद अनुसारम जिसके अनुसार षड वर्षेभ्य छह वर्ष से आरभ्य लेकर चतुर्दश चौदह वर्ष पर्यंतम तक के सर्वे सभी बालाः बच्चे समीपस्थम नजदीकी सर्व कार्यम सरकारी विद्यालयम विद्यालय प्राप्य जाकर नहीं केवलम केवल निशुल्कम निशुल्क शिक्षाम शिक्षा एव ही प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। कि जिसके अनुसार छह वर्ष से लेकर चौदह वर्ष तक के सभी बच्चे नजदीकी सरकारी विद्यालय जाकर न केवल निशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे बल्कि अपितु निशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तके स्यूतम पादत्राणम मध्यान भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्स्यन्ति। अपितु बल्कि निशुल्कम निशुल्क गणवेशम पोशाक पुस्तकानि पुस्तके पुस्तक स्यूतम पुस्तकों का थैला पादत्राणम जूता मध्यान भोजन दोपहर का खाना छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति इत्यादिकम इत्यादि सर्वम एव सभी प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। बल्कि निशुल्क पोशाक पुस्तके पुस्तकों का थैला जूता दोपहर का खाना छात्रवृत्ति आदि सभी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ देखिए। अब दर्शना कहती है अपि एवं अपि भी एवं ऐसा है ऐसा भी है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य आश्चर्य से मालिनी मालिनी की ओर पश्यति देखती है, आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवं एव, आम हाँ वस्तुतः बिल्कुल एवं ऐसा एव ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थाम प्रकटयन्ति, कृतार्थाम की गई कृपया से संतुष्टि का भाव प्रकटयन्ति प्रकट करती हुई।
अनुगृहीता अस्मि महोदये एतद् बोधनाय। अनुगृहीता अस्मि, मैं अनुगृहित हुई, महोदये, हे महोदया, एतद् यह बोधनाय बताने के लिए, कि आपके द्वारा यह बताने के लिए मैं अनुगृहित हुई हूँ। अहम् अद्य एव अस्याः प्रवेशम् समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। अहम् मैं अद्य आज एव ही अस्याः इसका प्रवेशम् प्रवेश समीपस्थे नजदीकी विद्यालय में कारयिष्यामि करवाऊंगी। मैं आज ही इसका प्रवेश नजदीकी विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शनायाः दर्शना की पुत्री उल्लासेन खुशी के सह साथ, दर्शना की पुत्री खुशी के साथ। अहम् विद्यालयम् गमिष्यामि, अहम् मैं विद्यालयम् विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगी, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम् अपि पठिष्यामि, अहम् मैं अपि भी पठिष्यामि पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा कर्तल वादन सहितम् नृत्यति मालिनीम् प्रति च कृतज्ञताम् ज्ञापयति। इति ऐसा उक्तवा कहकर करतल वादन सहितम तालियां बजाने के साथ साथ नृत्यति नाचती है मालिनी के प्रति च और कृतज्ञता ज्ञापयति व्यक्त करती है। यह कहकर तालियां बजाने के साथ साथ नाचती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।